two waves having equation x1 is equal to a1 sin omega t plus phi1, x2 is equal to a sin omega 2 plus phi2. If in the resultant wave the frequency and amplitude remains equal to amplitude of superimposing wave, then phase difference between them is. तो वी देखो क्या दिया उसने कि रिजल्टेंट वेव के अंदर एम्पलीट्यूड क्या है, रिमेन्स सेम है, तो इसी का यूज़ करेंगे हम लोग. रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड कितना आता है, वी नो दैट आर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए वन स्क्वेयर प्लस ए टू स्क्वेयर प्लस टू ए वन ए टू कॉस फाई, और ये फाई मतलब यहाँ पर फेज डिफरेंस है, राइट. चलो इसको डेल्टा फाई लिखता हूँ इंस्टेड ऑफ फाई, तो डेल्टा फाई क्या इंडिकेट कर रहा है, फेज डिफरेंस. ए वन मतलब ए वन क्या है, तो x1 का एम्पलीट्यूड, a2 x2 का एम्पलीट्यूड. नाउ इट इज़ गिवन दैट a1 इज इक्वल टू a2 है एंड विच इज़ इक्वल टू r का एम्पलीट्यूड, राइट. तो ये है r का एम्पलीट्यूड, उसको मैं a मान ले, ये चलो r मान लेता हूँ, r ही दिया है, इसको a मान लेंगे. तो ये क्या आ जाएगा, इसको स्क्वेयर करो तो a स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर प्लस टू ए स्क्वेयर कॉस ऑफ डेल्टा फाई. तो ये क्या आ जाएगा, देखो ए स्क्वेयर इज इक्वल टू टू ए स्क्वेयर को हम लोगों ने कॉमन लिया तो वन प्लस कॉस ऑफ डेल्टा फाई बचा, ए स्क्वेयर कैंसल आउट, वन बाई टू इज इक्वल टू वन माइनस कॉस ऑफ डेल्टा फाई. तो ये कुछ गलत तो नहीं किया हम लोगों ने यहाँ पर, हाँ ना, ये प्लस है ना, तो कॉस ऑफ डेल्टा फाई इज इक्वल टू वन माइनस वन बाई टू, वन माइनस नहीं ये ऐसा होगा ना, कॉस फाई इज इक्वल टू वन बाई टू माइनस वन, तो कॉस ऑफ डेल्टा फाई इज इक्वल टू माइनस वन बाई टू. एंड वी नो दैट कॉस ऑफ 120 डिग्री इज माइनस वन बाई टू, और इसी को क्या लिख सकते हैं, टू पाई बाई थ्री. तो टू पाई बाई थ्री मतलब ऑप्शन बी इज़ अ करेक्ट वन, राइट.